नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनकी या तो ट्रेड प्रैक्टिकल में या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक आई है और उन्हें अपनी फ़ीस पे कर दी है, तो उनका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में बताऊँगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि DGT ने जिन बच्चों की CBT का एग्ज़ाम है 3 सितंबर से, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करवा रही है, यानी कि उनका एडमिट कार्ड अभी जनरेट नहीं हुआ है। और जिनकी पेपर जो बाद में हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिकल के 13 सितंबर से, उनके एडमिट कार्ड पहले आ गए हैं, तो जबकि CBT के जो एडमिट कार्ड हैं वो पहले आने चाहिए क्योंकि उनके एग्ज़ाम पहले हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपके भी जो CBT के भी बच्चे हैं वो भी अपना थोड़ा एक दो दिन का वेट कर लें, उनका भी एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो CBT के बच्चे हैं 3 सितंबर से जिनके एग्ज़ाम हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल बैक है वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहां पर देख सकते हैं ncbtmis.gov.in, तो यहां पर आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहां पर ट्रेनी में जाएंगे, ट्रेनी प्रोफाइल में जाएंगे। तो ट्रेनी प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को होगा, तो जो भी आपका रोल नंबर है उसके आगे से 00 हटा के कैपिटल R कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा। फिर पिताजी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। तो चलिए एक ID मैं यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छात्र है ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में इसकी बैक है और सेकेंड ईयर का तो अभी जो है वो यहाँ पर फीस सबमिट नहीं हुई है। तो फर्स्ट ईयर में इसकी बैक है और बैक इसकी जो है वो CBT एग्ज़ाम में नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है। तो ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इसको यहाँ पर हॉल टिकट पे क्लिक करना होगा जो लेंस टाइप का आ रहा है। अगर CBT में किसी की बैक है तो CBT के यहाँ पर क्लिक करेगा। फिलहाल CBT का अभी जो है एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, फिलहाल आप लोग चेक करते रहिएगा, एक दो दिन में हो सकता है शाम तक आज नहीं तो कल परसों में आ जाएगा वो। तो चलिए मैं इसका जो है एक नॉर्मल हॉल टिकट डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा तो हॉल टिकट जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप लोग ये इसका जो बैक है वो पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है, 13 सितंबर 2021 को इसका पेपर है, 10 बजे से पेपर है और सेंटर का कोड यहाँ पर दिया है और कोड जो है वो ये पूरा इसका कोड दिया है जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी बांधा है। तो क्योंकि मैं यहीं पे गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ तो ये मेरा ही स्टूडेंट है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिन छात्रों का जो है ट्रेड प्रैक्टिकल या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है तो उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो वो लोग अपने एडमिट कार्ड ट्रेनी प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही आप कॉलेज से भी ले सकते हैं, तो कॉलेज में जाने के बजाय आप अपने प्रोफाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। फिर आपका जिस डेट में और जिस टाइम पे पेपर है उससे आप लगभग 45 मिनट पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि नीचे इसमें लिखा रहता है कि आपको 45 मिनट पहले जो है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार जिसकी ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार डेट और टाइम के अनुसार अपनी परीक्षा दे देंगे। आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।